In the name of peace, we gather here now. Oh Lord, please make these days of vows on this earth filled with peace. Peace, peace TV, the peace solution for, for humanity. Peace for peace. <laughs> the Quran is a the the Quran is the the a उसके पास कोई इल्मी जखीरा नहीं था कोई सरमाया नहीं था ये कुरान की देन है कि उसने अरबी ग्राम मरतब की उसने जोग्राफियाई नक्शे बनाए उसने साइंसी इजादात में हिस्सा लिया इस बात को पूरी ईमानदारी के साथ मुसलमान को सोच लेना चाहिए कि अल्लाह ने कुरान के जरिए उसे बहुत बड़ी बहुत बड़ी दौलत के दरमान आज की इस नशिस्त के जो मकर हैं वो मौलाना अबू ज़फ़र हसन नदवी साहब हैं वो हिलाल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी आने महाराष्ट्र के सदर हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वह तशरीफ़ लाएं और फिक्र इंसानी की तमीर में कुरान का हिस्सा इस मौजू पर अपना खिताब फरमाएं मौलाना अबू जफ़र हसन नदवी अजहरी بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين बिलिसान इन अरबी इमबीन सद्लम क्राम मौजत सामीन ख़वातिन आप हजरत को मख्तलफ़राए से ये मालूम हो चुका होगा कि आज और इस वक्त मैं जिस मौजु पे अपने ख़्यालत आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है फिक्र इंसानी की तामीर में कुरान का हिस्सा क़ुरान किताब है क़ुरान खुदा का कलाम है क़ुरान मोहम्मद रसोल वसल्लम पर उतरी हुई वाहि है क़ुरान दस्तूर हयात है क़ुरान जबल है कुरान जिंदगी बसर करने के लिए बेहतरीन गाइड बुक है और कुरान तकदस और पाकिदगी के उस आला मेार पर है जिस तक कोई किताब कोई इल्म और कोई फ़र्द नहीं पहुंच सका है वो क़ुरान आपके हाथों में है आपके घरों के ताकतों में है आपके शेल्फ़ में है आपके बेडरूम में है आपके ड्राइंग रूम में है आपके सीनों में है आपके ज़हनों में है आपके इल्म और आपके मताले में इजाफा करने के लिए कुरान है क़ुरान अगर मैं कहूँ कि चौदह सौ उन्नीस साल पहले मुकम्मल हुआ है और इसका नज़ुल चौदह सौ बयालीस साल से शुरू हुआ है तेईस साल बराबर उतरता रहा पूरा कुरान नहीं उतरा आयात उतरी कुछ सूरतें भी उतरी एक साथ नहीं उतरा कहा उतरा मोहम्मद के कल्ब अतर कोतरा नजर अबीन अला कल्बिक जबराइल उसको लेकर के आए तुम्हारे कल्ब के ऊपर सैदना मूसा ने खुदा से कहा था रब अरे अल्लाह अपना दीदार करा मैं देखूंगा तो अल्लाह ने कहा था लानी तुम हर ग्रो देख नहीं पाओगे बात आगे बढ़ाई और कहा मक़ान हो, तरानी हाँ मुसा सामने जो पहाड़ी दिख रही है उसको देखते रहो अगर वो ठहरी रहे अपनी जगह पे तो इम्कान है मुझे देख लोगे कुरान कहता है تجلى ربه للجبل جعله دكا موسى موسى وجب رب फलम्मा फरमा हुआ पहाड़ी के ऊपर पहाड़ी रेजा रेजा हो गई टूट गई और मूसा चीख मारकर गिर पड़े बेहोश हो गए ये एक तजल्ली की बात थी लेकिन सूरह सूर्य में कुरान ने कुरान के बारे में कहा है अपने बारे में कहा है खुदा ने कहा है लाजर कुरान अला जबलिन लड़ाई तहु खाश अम मुतसदिन खशतल्ला अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ी पर उतारते तो खशियत रब्बानी से पहाड़ी रजा रज़ा हो जाती लेकिन वह नबी का तलब है जो मुजला भी है और मसफफ़ा भी है और मजक्का भी है जिसको इस काबिल खुदा ने किया कि वह कुरान को अपने अंदर समो ले इंसान की तफीम के लिए कह रहा हूँ वरने से कोई मिसाल नहीं हो सकती जिस तरह गुलाब की पंखड़िया अपने अंदर शबनम को जज्ब करने के लिए अपना दामन फैला देती हैं खिल जाती हैं ऐसे ही नबी का कल्प वही के कबूल करने के लिए खुल जाया करता था नज अब रुहलमीन अला कल्बी ये कुरान जो हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं हमारे बूढ़े भी पढ़ते हैं ये कुरान जिसके तहफ़ की बेहतरीन जगह लोहे महफूज में है वही कुरान हमारे पाँच आठ दस बारह साल के बच्चों के सीनों भी महफूज हैं ये वो बच्चे हैं तारीख वो दिन न लाए लेकिन अगर दुनिया से कुरान को मिटाने की कोशिश भी की गई तो ये हमारे मासूम बच्चे जो आप दौलतमंदों के सदक़ात और ज़क़ात और अतियात के सहारे तालीम मुकम्मल करते हैं वो कुरान को असर दुनिया के हवाले कर देंगे यह कुरानी खसूसियत है लेकिन इसे न भूला जाए कि ये कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं ये कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब की वरक गर्दानी के लिए नहीं ये कुरान किताब हिदायत है कुरान ने साफ कहा अलीम किताबी खुदी में कहा गया तस्कर فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به وَذِكْرَى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تشكرون يا قران بنينا الانسان من هدايت هدايه بنكر جاء يا قران انكو ملا جنه الليخنا نہیں जिन्हें पढ़ना नहीं आता था यह कुरान उनके हवाले किया गया जो जाहिलियत में डूबे हुए थे जाहिल और जाहिलियत में फर्क है जाहिल न जानने वाला जाहिलियत अड़ियल मिजाज अपने नजरियात अपने अकायद अपने मतदादात के लिए दलाल मुहैया करने वाला यही वजह है कि दुनिया की सारी कौमों ने आहद जाहिलियत में बुतपरस्ती परस्ती इख्तियार की लेकिन चूंकि उसकी बुनियाद जाहिलियत थी और जहालत थी लेकिन जब उनके जहनों को नई पोशाक मिली नया सिमत सिफर मिला नई जहदें मिली तो सबन तोबा कर ली दुनिया भी अभी ऐसी कौमें मौजूद हैं जो उस पर कायम हैं और मुसिर है उसके ऊपर मगर इन अरब के बद्दुओं और वहशियों को जब कुरान मिला तो वो कौम जिसको तारीख भी नहीं जानती थी तस्करा तो बहुत दूर की बात है वो कौम जिसे वहशी कहा जाता था जो बर्बरियों से भी आगे थी कुरान मिलने के बाद उनका ये हाल हुआ कि शिबली की ताबीर में ये उसी का था क्रिश्मा कि अरब के रहजन फाश करने लगे जिबरी अमी के असरार ये उसी का था क्रिश्मा कि अरब के बच्चे खेलने जाते थे अवा गहे किसरा में शिकार अरब के ये वहशी अरब के ये बदू अपने सीनों को नबी की हिफाजत के लिए आगे रखने वाले और जाहिलियत में अपने कांधों में अपना खेमा लेकर के चलने वाले जब कुरान लेकर के आगे बढ़े तो कैसर और किसरा की हुकूमतों से चार्ज ले लिया दुनिया की शाह कुरान ने उनके हवाले कर दी, और एक लम्हे के लिए भी ये तजब्जुब नहीं हुआ कि मोहम्मद रसोल्लाम के डर के निगहबान और चौकीदार और उनकी गुलामी का दम भरने वाले रोम और ईरान जैसी हुकूमतों की हम शरीक कैसे कर पाएंगे वो अंदाज इख्तियार और इस अंदाज से निजाम हुकूमत बर्पा किया कि कहा जाने लगा जो करते थे मोहम्मद मुस्तफ़ा के दर की दरवानी सिखा देते थे सुल्तानों को वो आइन सुल्तानी वो रसूलुल्लाह जिन्हें जिब्राइल ने कुरान देते वक्त कहा था इकरा उसने कहा था माना बिकारी मैं पढ़ा नहीं हूं जब जिब्राइल ने उनको अपने करीब किया है खेचा है उनको तो ये उम्मी लकबी व फाते व उम्मी जिसके आगे अक्ल कुल तिफले दबिस्तानी यहाँ रस्तू भी आकर के दर्श लेने की सोचता अगर वो जिंदा होते, लेकिन अफसोस क्या रस्म नहीं था मैं ये रस्म नहीं कह रहा हूं आपके जज्बात से नहीं खेल रहा हूं मैं ये बताना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह की तालीमात का ये असर था कि दुनिया में इल्म की एक नई फजा पैदा हुई और इल्म के दौर का आगाज हुआ है इल्म जो जहन के दरीचे खोलता है जो फिक्र की राह़ हमवार करता है ये कुरान की देन है पहली देन कुरान की इल्म का तस्वूर है और तस्वुरी नहीं इल्म तालीम और तालीम तालीमी नहीं मुफ्त तालीम एक वाक्य बता दिया जाए कि मजूसिल्लाह के अहद में और उनके बाद सहाबा हद में और उनके बाद खलफाए बनैया के दौर में और उसके बाद खलफाए बनु अब्बास के दौर में अगर दरसगाहों में एक पैसे की भी फीस ली जाती रही हो तो कोई बता दे मुझको छुटला दे मुझको मजमे में इसके बरखिलाफ हर खानदान ने हुकूमत की मदारिस पे तालीमगाहों पर माफिया दी जायदादें दी जागीरें दी एक जमाने में अजहर का बजट मिस्र की हुकूमत से बड़ा हुआ करता था अजहर का मतलब अवकाफ के ऊपर चलने वाला मजहबी इदारा यह थी तालीमी फिजा इसलिए कि कुरान ने पहली आय जो दुनिया को दी इक्रबिसम रब लदी खलक खलक अल इंसान अमिन अलक इकरा व रब कल अक्रम

वो बनी कैसे वो वजूद में कैसे आ गई एक बैग वजूद में नहीं आई है कोई इसका बनाने वाला है कोई इसका खालिक है कोई इसका मालिक है बताना ये चाहते हैं कि जो खालिक होता है उसकी हाकिमियत मुसलम होती है और जो मखलूक होता है उसकी महकूमियत मुसलम होती है खालिक का मतलब है उसका हुक्म नाफिज हो वो हुक्म दे। अब मखलूक का मतलब यह है कि वो खालिक के अहकाम की बजावरी करें नामुनासिब ना होगा अगर यहाँ पर पहले इंसान की पैदाइश के ऊपर इबलीस ने जो मसला खड़ा किया था वो भी आग सामने वाजे कर दू जब अल्लाह ने हुक्म दिया सजदे का और इनकार किया इबलीस ने तो पूछा अल्लाह ने मा मना का दिदा मर तुम मैंने दिया हुक्म सिदा कर क्यों नहीं किया उसने जवाब में कहा अना खैर इसी को मशहूर फलसफी मशहूर सयाह अब्दुल करीम शहरिस्तानी ने अलमिल व निहल में नकल किया है और बड़ी अजीब बात कही आप सुने आप रुत लेंगे कहते हैं अगर शैतान और अल्लाह के मुकालमे को देखा जाए तो जब उसने अल्लाह की खालकियत का इकरार कर लिया तो उसने ये बात तय कर ली कि वो महकूम है अल्लाह को घुमानेगा इसके बावजूद अपनी बड़ाई जाहिर करके अपने हक में उसने गुलू किया अल्लाह के हक में उसने कमी की और फरमाते हैं यही गुलू और यही कमी दुनिया में इस्लामी फिक्र के खिलाफ नए जहन को पैदा करती रही है कहते हैं इसी उसूल के ऊपर दुनिया में जितने फिरके बने हैं जितने तबकात बने हैं जितनी कशमकशें पैदा हुई हैं इसी के ऊपर है कहीं गुल्लू है और कहीं कमी है हर से बड़ी बड़े नजरियात हर से बड़ी अकीदत हर से बड़ी मोहब्बत और किसी को गिराना उसके मर्तबे को कम करना ये दो चीज़ें तकलीफ दें मेरे अजीजों चूंकि मौजू यह है कि फिक्र इंसानी की तामीर में कुरान का हिस्सा तो कुरान ने पहली बार जो कही वो इंसान को शूर दिया इदराक दिया और कहा अपनी अक्ल को इस्तेमाल करो अक्ल के इस्तेमाल का गुर सिखाया और इतना गुर सिखाया कि बयान से बाहर दुनिया की सारी तरक्की उसी गुर की वजह से है इंसान को कुरान ने इंसान बनाया और बताया कि कानून की निगाह में हर इंसान बराबर है जिस वक्त कुरान ये बात कह रहा था उस वक्त शायद लोगों को समझ में ना ही होगी बात लेकिन आज ये देखिए कि आज भी मुतमद्दिन दुनिया में रहने के बावजूद तमदन का वास्ता देने के बावजूद डेमोक्रेसी का ऐलान करने के बावजूद जो तबकाती फ़र्क है जो जहनीतों में तफावत है जो अकलों में तफावत है जो समाजी जिम्मेदारियों में तफावत है और जो समाजी ना बराबरी पैदा हो गई है ये सब इस्लामी तालीम के खिलाफ है इस्लाम ने बराबरी का तस्वर दिया था मर्द हो या औरत हो किसी का अमल जय नहीं होगा किसी की कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी कोई तफरीक नहीं होगी ये गलत है कि इस्लाम ने औरतों का दर्जा गिराया है ये गलत है कि इस्लाम ने औरतों को कमजोर समझाए मैं ये पूछना चाहता हूं कि दुनिया ने गुलामी को रवाज दिया बरसों नहीं सदियों नहीं हजारहा साल इस पे अमर दरामद करते रहे और एक भी इंसान नहीं खड़ा हुआ ये बोलने के लिए कि गलत कह रहे हो और जब उस रस्म और रवाज की वजह से मोहम्मद ने नेदाई दौर मसल कायम रखा तो आप खड़े को सवाल करते हो कि इस्लाम में गुलामी कैसी है अरे जहां से आई थी वहां से पूछो रोम जलता रहा नेरो बांसुरी बजाता रहा तुमने पूछा नहीं जा करके ये तुम क्या कर रहे हो उनकी ओलंपिक में रक्स बिस्मिल होता था बुला करके आदमी को और तवे को रखते थे आग के ऊपर जब तवा गर्म हो जाता था जल्लाद आके गर्दन मारता था और तवा उसकी गर्दन पर रख दिया करते थे तवे की गर्मी से और खून की रवानी से वो नाचता था रक्स करता था इसको रक्स बिस्मिल कहा गया था ये सब है रक्स बिस्मिल का तमाशा देखने वाले इस्लाम ने गुलामी को खत्म करना चाहे अबू बकर सिद्दीक उन्होंने अपनी दौरे खिलाफत में नहीं मक्की जिंदगी में हजरत बिलाल को खरीदा और आजाद कर दिया बिलाल गुलाम थे हज़रत उमर फरमाते हैं अबू बकर सैदोना आता का सैदना अबू बकर हमारे आका हैं सरदार हैं और वजह यह है कि हमारे सरदार को उन्होंने आज़ाद कराया एक गुलाम को आका कहना और अरब के माहौल में आसान नहीं था पुरानी तालीमात में इंसान में कभी तफरीक नहीं है या यू इन्ना खलकनाकम रक उन व जाबाइल तारफ इ करमकम अरे लोगों हमने तुमको पैदा किया मर्द और और औरत के मिलाप से हम और तुमको बांट दिया कबीलों में गरोहों में जमातों में ताकि तुम्हारी शनाख्त हो यह बर्तरी की बात नहीं है ये शनाख्त की बात है यह पहचान की बात है पोस्टमैन आके पूछता फला गली कौन सी है बिल्डिंग में आता है हमको बारहवें माले पे जाना है ग्यारहवें माले पे कौन रहता है ये बड़ाई या कमजोरी या छोटापन नहीं है हर इंसान बराबर है हर एतबार से बराबर है इसी को हजूर पाकल्ला वसल्म ने हजरतल के मौके पर कहा था आपको याद होगा कि लाफत वाला आजमी

बिल्कुल जो लफ्ज है बिल्कुल आपकी बंबई की जुबान में कालिया बल्कि कहा जा जाए टिपिकल बंबईया बोले में अबे ओए का तो अब कालिया तो हजूर पाक से फरमायाबू जर तुम हद से बढ़ गए तू तू मामला संगीन हो गया है पानी सर से ऊंचा हो गया है बात बिगड़ गई इन नकम रौन सी कल जाहलिया तुम वो फर्द हो जिसमें जाहलियत की जड़ें मौजूद है भी असरात हैं जहालीत के उनसे माफी मांगे क्योंकि वो इंसान है ये रंग ये रोगन इस बुनियाद पर इंसान का के बारे में फैसला नहीं किया जाता फैसले का सिर्फ मैारकवा है दिल दिल जितना जख्मी होता है उतना अल्लाह के करीब होता है तो दिल देखा जाता है तकवा देखा जाता है दीन पे अमल देखा जाता है अहद फारूक़ी का वाक्य है कि बिलाल हबशी से पहले अबू सुफियान और कुछ और कुरैश आए मुलाकात के लिए उमर बिन खत्ताब खत्तार्ला से उन्होंने कहा बैठो मैं काम कर रहा हूँ ऑफिस में थे थोड़ी देर बाद आदमी आया कि बिलाल आए हैं बुला लो बिलाल को बिलाल को बुलाया बातें की बिलाल को छोड़ने बाहर आए फिर काम में जुट गए जब इनकी बारी आई ये लोग आए तो शिकायत अबू सफियान ने क्या मीर मोमिनीन बिलाल को आपने बुला लिया और हमको बैठाने रखा उन्होंने कहा कि अबू सुफियान क्यों खफा होते हो अल्लाह के रसूल ने दावत दीन दी थी बिलाल ने कबूल किया तुमने रद्द कर दिया बिलाल को अवलियत हासिल है तुम्हारे ऊपर बिलाल तुमसे पहले है। सिर्फ ये मैारे इस्लाम में बढ़ाई का इसके साथ कोई मैार नहीं बढ़ाई यहाँ तक बताऊं मैं आपको आपको मालूम होगा सूर्य एजाब में जिक्र भी है कि हजूर पाक सल्लाम ने अपनी फूफीजात बहन से जैनब की शादी किससे की थी तो जैद से की थी इनका कुरान में जिक्र है जैद को बेटा कहते थे बनो हाशिम की लड़की गैर हाशमी में गैर कुरैशी में अरेसार बराबर के नहीं थे आपको बदर का वाक्य याद होगा कि जब मुबारदत के लिए लोग निकले तो पूछा उन्होंने उतबा ने मोहम्मद कौन लोग हैं बताया तो अंसारी हैं, कि हमारे जोड़ के नहीं हैं हमारे जोड़ के लोगों को भेजो तो क्रैशियों को भेजा उनमें अली तालिब थे हमजा थे ये आगे गए इस तरह की कौम ये मिजाज रखने वाले लोग अबू जहल जिसकी नखबत का ये आलम था जब गर्दन काटी जा रही तो कहने से काट लो दाई रखी जाए तो मेरा सर ऊंचा दिखे उस रसूल ने अपनी फुफीजा बहन को जैद के हवाले किया और जब जैद से निभी नहीं, तलाक हुई है तो आप वसल्लम ने अक्त फरमा लिया उनसे ये इस्लाम का क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुरान ने बड़े अहतमाम से कहा कि लिमा तुल माला तफलून क्यों कहते हैं वो बात जो करते नहीं इस्लाम का मुतालबा है मानने वालों से जो कहो वो करो और उससे महफूज तरीका यह है कि जो करो वही कहो जो न करो वो न कहो जो न हो सके वो मत कहो ही बातें कर सकते हो मगजूल ने अपनी हयात पाक में कोई ऐसी बात नहीं की जो नहीं कही जो की न हो आपका अमल आपकी जुबान दोनों हमाह थी अपने मानने वालों को यही शूर दिया था यही जहन दिया था एक मिसरी किसान को फालते हैं मिस अम्बास के बेटे ने मारा और जब उसने कहा तुमने मुझको गलत मारा है तो मेरा क्या कर लोगे मैं शरीफ ज्यादा हूं गवर्नर मिस्र का बेटा हूँ मेरा कुछ नहीं होगा ठीक है गौर कीजिए कहाँ उसद का इलाका जो काहरा का उफ़्तादा इलाका है और कहा मदीने तैयबा वो चला वहां से चलता रहा पहुंचा है अमीर मुमीन से शिकायत की है क्या बुलाओ बाप बेटे दो लोग बुलाओ दोनों आए और कहा मारो मेरे सामने बेटे को उस किसान ने गवर्नर के बेटे को मारा है इसने बाप के मनसब का गलत इस्तेमाल किया अगर सब बाप गवर्नर ना होता नहीं कर सकता था और ये फरमाया बेमा ताबत तुम उन्नास वना था पैदाइशी आजाद है इस जुमले को सिर्फ मस्जिद में मौल भी बयान करता रह गया और सियासी तारीख में वो जुमला आ गया कि आज़ादी हमारा पैदाइशी हक है सैकड़ों साल पहले उम्र खत्ताब ने सिर्फ कहा नहीं था अमली तौर पर सबूत दिया था इस्लाम ने जिस अंदाज पे कानून की रखवाली की है ये भी कुरान की बहुत बड़ी देन है बहुत बड़ी देन है क़ुरान को आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि इस्लाम का लॉ ऑफ एविडेंस परफेक्ट और मुकम्मल और सही है हमारा ये नहीं देखा जाता कि वाकया क्या है देखा जाता है शहादतें कैसे जमा की गई हैं हम दस्तूर और जापते को फॉलो करते हैं बताऊं मैं आपको एक इंसान की इज्जत से खेलना और किसी को मतून करना बुरा भला कहना इस्लाम के नजदीक सबसे बुरा गुना है बेहतरीन गुना है जो लोग शरीफ ज़ादियों को तोहमत धरते हैं उनके लिए दर्दनाक आजाब है इंसान का शरफ बुलंद किया इंसान के शरफ को अल्लाह ने हर जगह बुलंद किया हर तो करम ना बनी आदम हमने बनी आदम को एजाज दिया कुरान ने एक बहुत बड़ी चीज जो दुनिया को दी मजहब को जमीनी सदाकतों से जोड़ दिया है याद कर इस बात को बार बार सुनिए कि कुरान ने मजहब को जमीनी हकायक से जोड़ा है जमीनी सदाकतों से जोड़ा है कुरान जमीन पर चलने के लिए आसमान तोड़ने के लिए नहीं यह सच है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल को आसमानों की बुलंदियों से भी आगे बुला लिया यह सच है कि मुंतहा से भी गुजार कर आज तक बुला लिया ये भी सच है, आप दे माँ वोहा अपने बंदे को वही की जो चाय वही की लेकिन यह भी सच है कि नबी की पेशानी अरशाही पे नहीं झुकी मक्के और मदीने की जमीन पे झुकी नबी सदा रेज जमीन पर हुआ है नबी ने तवाफ काबे पे का किया जमीन पे किया है ये तो इबादत की बात है और उनका पूरा दिन जमीन के लिए है ये जमीनी हकायक है चूंकि आप वसल्लम को अल्लाह ने नबीन बनाया कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा उसके पीछे भी यही रास था कि जमीन वालों, अब अपनी हिदायत के लिए आसमान देखना बंद कर दो अब जमीन देखो महमद रसूलुल्लाह की तालीमात को देखो ये जो छोड़ के जा रहे हैं जो कहते हैं तरक्तो फिकमरन मा इन तमस्तक तुम किताब अल्लाह वसुन्नति कि की मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं जब तक तुम इस पे कार बंद रहोगे तुम गुमराह नहीं होगे एक अल्लाह की किताब और एक अपनी सुन्नत इस पे हम जमीन देखो यही जमीन तेरा मस्कन यही तेरा मतफन इसी जमीन से तुम मेहरुमा पैदा कर मोहम्मद के बाद जिब्रेज का इंतजार नहीं होगा किसी का इंतजार नहीं होगा कुरान हदीस की रोशनी में इंसानी ज़िंदगी के मसाइल का हल ढूंढा जाएगा शिशक्ति इंसानियत के ज़ख़्म पे मरहम रखा जाएगा प्यासी दुनिया की प्यास बुझाई जाएगी देखिए क़ुरान के बारे में आपसे कहा था कि ज़मीनी हकायक से इंसान को रोशनास कराता है कुरानी हकाम किसके लिए हैं फरिश्तों के लिए हैं नहीं इसलिए नहीं है कि फरिश्ते मुकल्लफ ही नहीं हैं अहकाम शरा का पाबंद इंसान है गैर इंसान नहीं है हाँ जिन भी है इसीलिए या माशरा सबल जिन कहा गया है दो ही मखलूक हैं जो अल्लाह के अहकाम की, की पाबंद हैं लेकिन मजबूरन नहीं इख्तियार के साथ यह भी दिलचस्प बात है कि अल्लाह ने इंसानों को इख्तियार दिया है उसकी मानो उसकी न मानो आसमान और जमीन को बनाए तो कहा एतिया तवन और करहन आओ चाहे चाहो चाहे ना चाहो चाहे मजबूरन हो चाहे हो क्या आओ तुने तो कहा नहीं अतना तयीन में ताद गुजार बनकर क्या रहे हैं लेकिन इंसान को नहीं कहा वह दे नाहू देन। दोनों राहें बता दी खैर बताया शर बताया हिदायत बताई जलालत बताई जन्नत बताई दो बताई दीन बताया गैर दीन बताया खुदा बताया ताक़ुत बताया रहमान बताया शैतान बताया और इख्तियार दे दिया तुम जो चाहो इख्तियार करो हमारे शोरा ने तो न जाने बात कहा, की कहा मोड़ दी मीर ने कहा था ना ना हम हाँ मजबूरों पे तो हमत है खुद मुख्तारी की जो चाहे सो आप करे हैं हम का बस बदनाम किया उनसे आगे बढ़कर आजाद ने कहा था जहाज उम्र रवा पे सवार बैठे हैं सवार खाक हैं बेइख्तियार बैठे हैं लेकिन हजरत अली करम्लाजहू से जब सवाल किया गया कि बताए इंसान मजबूर है या इंसान बाख्तियार है तो फरमाया एक टांग उठाओ तो उठा दी कहीं दूसरी उठाओ वो रखने लगा पे क्या रखो मत उठाओ कहने लगे नहीं नहीं उठती पाया तो बस ये इतनी मजबूरी है इतना इख्तियार। है जब इंसान अपने हलाकत में डालने लगता है तो मजबूर हो जाता है और जब इंसान दूसरों के लिए शतरे इख्तियार करता है तो उसे इख्तियार दे दिया जाता है अब पकड़ कब होती है उस वक्त होती है जब जालिम का जुल्म उसके खिलाफ गवाह बनकर खड़ा हो जाता है दुनिया की सारी गवाहियां इल्म की सारी कोशिशें दानिश्वरों के सारे लेक्चर और मसाजिद की सारी दुआएं होती रहे मगर खुदा की तरफ से पकड़ उस वक्त होती है जब जालिम का जुल्म खुद गवाह बनता है उस वक्त छूट नहीं होती मूसा ने हारून सलाम में दुआ की थी कि अल्लाह फिरौन को हलाक कर दे जवाब में अल्लाह ने कहा कदोजीबत दावत खुमा तुम दोनों भाइयों की दुआ कबूल कर ली गई अभी बैठे हैं दुआ कबूल हुई है सोलह साल लग गए थे क्यों इसलिए कि फिरौन के जरायम अभी गवाह नहीं बनने को तैयार थे जब गवाह बन के खड़े हो गए तो उनको अल्लाह ने बहरहमर में डुबो दिया ये गलत है कि नील में डुबाया क्योंकि मिस्र के साथ नील की वाबस्तगी है इसलिए नील कहा जाता है वरना यह वाक बहर अहमर का है दरिया नील का नहीं इस बात को पूरी ईमानदारी के साथ मुसलमान को सोच लेना चाहिए कि अल्लाह ने कुरान के जरिए उसे बहुत बड़ी दौलत दी है बहुत बड़ी दौलत दी है नुते नजर का फर्क है बस नुक नजर क्या है एक पुरानी किताब एक कलमी नुस्खा अगर ला करके आपको दिया जाए और कहा जाए कि भाई बताओ कितने दिनों का है क्या है तो आप सूंघेंगे और राग देखेंगे किताबें पढ़ेंगे राय कायम करेंगे मालूम कि साहब ये हजार साल का है पांच हजार साल का है आप कहेंगे वाह बहुत अहम किताब है किसी शार का दीवान दे दिया जाए बहुत खुश होंगे सुबह अल्लाह एक नायाब नादिर दीवान मिला है मिसाल नहीं दे रहा हूँ समझाने के लिए कह रहा हूँ वो कुरान जो मुकम्मल हिदायत थे जो खुदा के पास से आया है जो किताबुल्लाह है यहाँ ये बता दूँ आपको कि इस्लाम से पहले दो अशिलाहत थी एक किताबुल्लाह की और एक उम्मी की इंजील और तौरात तो किताबुल्लाह कहा गया है कुरान को भी किताब कहा गया है लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है ये कलामुल्लाह है कुरान की खसूसियत ये ये अल्लाह की तरफ से रिटर्न नहीं आया है राइटिंग में नहीं आया है अल्लाह की तरफ से जुबानी आया है हुजूर के कल्ब पे इका हुआ है जिब्राइल ने सुनाया है हजूर ने कुरान याद किया कुरान लोगों को सुनाया है लिखने का तस्वूर ही नहीं था इसीलिए यहूद नसारा मक्के वालों को ताना देते थे कि उम्मी है उम्मी का एक मतलब यह भी है कि इनके पास कोई आसमानी हिदायत नहीं है अब पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं मैं आपसे अभी जब कुरान आया तो कलाम की शक्ल में आया कलामुल्लह की शक्ल में आया जो मैंने आयत पर्स में क्या कह न तंजील और उतारा गया है रब्बुल रबालमीन के जानिब से नदला नदलाब रुहलमीन रुहलमीन लेकर के आए हैं पे कोई शक नहीं कर सकता जिब्राइल पे शक किया गया है तारीख में कुरान ने कहा मन का नादूम जबरील फई नहू नजलह कल भी जो जब्रैल का दुश्मन है वो जान ले कि जिब्राइल ने मोहम्मद रसुल्ला तुम्हारे कल्ब पे कुरान को उतारा है कहा गया नदलामीन अला कल्बिकन नबी को मुंजर कहा गया है नबी को नजीर कहा गया है अम्बिया कराम अलमसलाम नजीर होते हैं मुंजिर होते हैं मुबश्शिर होते हैं दाई होते हैं अब बता दू आपको एक नबी की कई हैसियतें होती हैं लेकिन उसकी बुनियादी हैसियत उसके नबी होने की है अभी कहा गया बेलिसान अरबी जी मुबीन बड़ा अहम लफ्ज है तीन लफ्ज हैं लेसान अरबी मुबीन तर्जुमा होगा वाज अरबी जुबान में तो एक बात बताऊं अगर आपको तो शायद नहीं मालूम हो लेकिन अहिलियत के लिए नहीं है लाल किले में जो बेगमा जबान बोला करती थी और जो आखिरी मुगल शहनशाह बोला करता था उसे उर्दू मुल्ला कहा जाता है और तारीख़ अदब अरबी का ईमानदारी से और तहक़ीक से मताल करने वाले जानते हैं क्रैश की वो मेयारी जबान जो क्रैश की अपनी ज़बान थी उसका नाम था लेरबी जु मुबीन जैसे उर्दू मल्ला का तर्जुमा नहीं हो सकता ऊंची उर्दू हम नहीं कर सकते उर्दू ये मोल्ला करेंगे मगल तो दरबार की जुबान लिसान, अरबी, मुबीन कुरेश की जुबान में उतरा है कुरान वो जुबान जो कुरेश बोला करते थे आज से लगभग सौ साल पहले जब ये किसी मुस्त ने कहा कि अरबी जुबान में ऐसे बहुत से अल्फाज हैं कुरान में जो अरबी नहीं है तो लोगों ने बड़ी तालियां बजाई उसका बड़ा चोरा हुआ कि कुरान अरबी नहीं रहा कुरान अरबी नहीं रहा अरे भाई कुरान अरबी रहा या न रहा तुमको दुखड़ा क्या है लेकिन जुबान वाले जानते हैं जिन अल्फाज को जुबान कबूल कर लेती हैं वो उनके अल्फाज होते हैं बंबई वाला जानता है बंबई वाला टिपिकल लफ्ज बोलता है पाओं हम वाले नहीं बोलता पाओ नून की आवाज़ नहीं आती बंबई वाले की आवाज़ आती है पाँव ये पाँव जो है ये पुर्तगाली लफ्ज है जिसको बम्बई ने अडॉप्ट किया है बम्बई की उर्दू है कोई उनके तलफुज को चैलेंज नहीं कर सकता कोई से गलत नहीं कर सकता लेकिन अब पाओ पुर्तगाली नहीं रहा ये उर्दू का हो गया है बम्बई का लफ्ज हो गया है कुरान में वो सारे अल्फाज हैं जो अरब बोलते थे अरब समझते थे हदीसफ्लाम के लोगों ने जब शोर किया अकुमार अय मुसाफिरों तुम लोग चोर हो उन्होंने कहा मादा तफकदून क्या ढूंढ रहे हो कालू नफकदो सलिक वले मन जामिर हम बादशाह का सुहा ढूंढ रहे हैं सुहा माने प्याला ये अरबी लफ्ज नहीं है ये संस्कृत लफ्ज है अरबी लफ्ज बिल्कुल नहीं मेरे अजीज हो तो कुरान में किसी भी जुबान का लफ्ज हो लेकिन वो अरबी इसलिए है कि उसको अरब बोलते थे अरब समझते थे और वो कुरान में लफ्ज आया है कुरान की ये भी बहुत बड़ी देन है जिसने अरबी ज़बान को महफूस कर लिया अरबी ज़बान को बचा लिया तीन हिस्सा जुबान गायब हो चुकी है एक हिस्सा जो बची है चौथाई जुबान जो बची है वो कुरान की वजह से बची है कुरान ने जुबान को बचाया है कुरान की अपनी जुबान है वो अरब कौम जिसके पास कोई इल्मी जखीरा नहीं था कोई सरमाया नहीं था ये कुरान की देन है कि उसने अरबी ग्रामर मरतब की उसने तनकीद के दस्तूर तय किए उसने जोग्राफियाई नक्शे बनाए उसने साइंसी इजादात में हिस्सा लिया उसने अरस्तों की किताबों को नकल किया उसने अफलातून की किताबों को नकल किया और नकल करके नहीं कहा कि मेरी है जैसे अल्लाह के रसूल जब कुरान देते थे और कौन कहती थी कि अल्लाह का कलाम नहीं ममता कलाम का अल्लाह का कलाम है वैसे उन्होंने यूनानियों को उलूम को नकल करने के बाद कह दिया कि ये सारे यूनानियों के हैं हमारे नहीं अपने रसूल से ये चीज सीखी थी और ये कुरान से आई थी मेरे अजीजों बहुत सी बातें कहने की थी मुझको तो शुभा है और यकीन है कि बात ज़रूरत से ज़्यादा बोझल हो गई सड़क तो शायद गुजर भी गई हो लेकिन इससे गलतफहमी में था कि अहिल इल्म का मजमु है और सामने इल्म बैठे हैं और अपनी बात ख़त्म करता हूँ वाखिर दवाना रबीआल जजाकल्ला मौलाना अबू ज़फ़र हसन नदवी साहब आप फिक्र फिक्रसानी की तामीर में कुरान का हिस्सा इस पर गुफ्तगू फरमा रहे थे आपने हमको बताया अलाम शिबली की ज़बान में पैगाम दिया कि यह उसी का करिश्मा था कि अरब के रहज़न छाख करने लगे अमी के असरार और यह उसी का करिश्मा था कि अरब के बच्चे खेलने जाते थे एवं गहे किसरा में शिकार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका